ओवरलोड व अवैध परिवहन रोकने की मांग पर जिला प्रशासन के उदासीन रवैये से नाराज जिला ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन बुधवार से अपना कामकाज ठप रखकर विरोध जताएगी। इस संबंध में आज जंक्शन स्थित यूनियन कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिलाध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि ओवरलोड वाहनों व बिना रॉयल्टी और निर्माण सामग्री बिल के वाहन परिवहन पर रोक लगाने के लिए यूनियन काफी समय से प्रशासन से मांग कर रही है, परंतु नोहर डीटीओ ट्रक ऑपरेटरों को गलत तरीके से अंडरलोड वाहनों के चलान कर धमकाने का काम कर रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बजरी माफिया से मिलीभगत के चलते नोहर डीटीओ कार्यालय के अधिकारियों की ओर से ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि रावतसर के ट्रक मालिकों पर बीकानेर के बजरी माफिया की ओर से झूठे मामले दर्ज करवाए गए हैं। यूनियन सदस्य लीलाधर शर्मा ने बताया कि जिन गाड़ियों के हनुमानगढ़ में चलान हुए हैं उन बजरी माफियाओं ने रावतसर के ट्रक मालिकों के खिलाफ दुर्भावनावश झूठे मामले दर्ज करवा दिए। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच करवा नोहर डीटीओ को हटाए जाने व पल्लू में परिवहन व खनिज विभाग का स्थायी नाका लगवाया जाने की मांग की है। मांगों की तरफ ध्यान न देने पर 12 अगस्त को जिले भर के ट्रक ऑपरेटर अपने अपने ट्रक जिला कलेक्टरेट के समक्ष खड़े कर धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे। मानगढ़ जंक्शन के प्रांगण में एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके माध्यम से हमने पूरे प्रशासन को यह आगाह किया है कि 28 तारीख को 28-7, 31-7 और 10-8 हमने ट्रक यूनियन एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ ने कलेक्टर साहब से मिलके अर्जी लगाई थी कि ओवरलोड जो आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की। बार बार आश्वासन के बाद में भी आज तक पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने कल 12 तारीख को जितनी भी जिले की गाड़ियां हैं सारी गाड़ियां माननीय कलेक्टर महोदय के दफ्तर के सामने खड़ी करेंगे और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग जो कानून सम्मत भी है, तर्क संगत भी है और समाज संगत भी है, तीनों मांगे हमारी यथोचित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरे भारत में तय वजन के हिसाब से अंडरलोड गाड़ियां चलनी चाहिए उसकी मांग करते हैं। और उसी मांग को लेकर हमने रावतसर 4-5 दिन पहले एक ओवरलोड गाड़ी आ रही थी तो हमारे ट्रक ऑपरेटर ने सिर्फ ये किया भी उस गाड़ी की लोकेशन प्रशासन को बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो उस लोकेशन की एवज में हमारे ऊपर बजरी माफियाओं द्वारा जो मंत्री महोदय के आदमी हैं उनके द्वारा ट्रक ऑपरेटर पर झूठे मुकदमे किए गए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन मुकदमों की जांच कर उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। एक साहब कल जो व्यापारी आए थे उन्होंने कहा था कि जो ट्रक ऑपरेटर वाले वो रावतसर में नाका लगा के वसूली करते हैं, क्या आरोप लगाया था उन्होंने? नहीं, वो सर्वथा झूठे आरोप है, लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है उसमें एक भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि वो व्यापारी बंधु एक रुपया वो बता दे भी एक रुपया यहाँ से लिया तो हमें 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक ट्रक ऑपरेटर ने 1 रुपया नहीं लिया कहीं। फिर व्यापारी आपके खिलाफ क्यों है? व्यापारी और बजरी माफिया एक दूसरे से मिले हुए। परिवहन विभाग की क्या भूमिका है? अगर मतलब आप परिवहन विभाग हनुमानगढ़ जो डीटीओ साहब है अमरावत साहब उन्होंने हमारी लगभग मदद की है जितनी संभव हो सके, लेकिन डीटीओ नौर ने हमारी मदद के बदले खिलाफत की है और हमारी गाड़ियों के हमें तो यहाँ तक उन्होंने धमकी दी है कि हम अपने समकक्ष अफसर हैं उनसे कह के आपकी गाड़ियों अंडरलोड गाड़ियों के भी चलान करवाएंगे और उचामण उन्होंने चलान भी कराए हैं। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब कि जो चलान किस चीज़ का हुआ है, रिफ्लेक्टर का, जो पीछे एक डाले पे एक रिफ्लेक्टर की पत्ती लगी होती है उस चीज़ का चलान करवाया है, डबल टंकी का चलान करवाया है, जो